दोस्तों अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हो तो आपके लिए ये 5 मिनट की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम आपको ऐसा सीरीज बोर्ड बना के दिखाने वाले हैं जो आप कहीं पर लेके जा सकते हो, ठीक है। यानी केवल 4 तार आपको चाहिए, देखिए ऐसे 4 वायर ऐसे आपको चाहिए, जिसमें 2 कलर होंगे, 2 नीले रंग के और 2 पीले रंग के, ठीक है। तो ऐसी आपको तार लेनी है, एक लेना है 3 पिन प्लग और एक लेना है ऐसे होल्डर और एक लेना है आपको बाद में एक बल्ब लेना है 100 वाट का, ठीक है। तो आप इसको कैसे बनाओगे 5 मिनट में सिखाएंगे। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आपको कैसे बनाना है इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो बल्ब होल्डर है इसका जो पीछे वाला कवर होता है इसको खोल लीजिए, ठीक है। और इसके बाद ये जो तारें हैं इन तारों का सबका जो एक एक पॉइंट है, यानी कि तारों को आप ऐसे करके और यहाँ से ये जो बल्ब होल्डर दिख रहा है आपका, वो बल्ब होल्डर का कवर है, इसके यहाँ से आप निकाल लीजिए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, काफ़ी यूजफुल होने वाली है, आप इसको इस सीरीज बोर्ड को कहीं पर भी लेके जा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, केवल 5 मिनट का वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 4 तारें हो गई, 4 तारों में से आपको क्या करना है, 2 तारें कोई भी 2 तारें आप ले लीजिए, हम ले लेते हैं ये वाली 2 तारें, ठीक है। और इनको कहाँ करेंगे कनेक्ट, देखिए दोनों तारों को हम इस बल्ब होल्डर के अंदर लगा देते हैं, बस सिंपल सा काम है, इतना ही करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लगा देते हैं और ये ऐसा सीरीज बोर्ड बनकर तैयार हो जाएगा कि आपको बड़ी आसानी से आप कोई भी सामान बिजली का चेक कर सकते हो, आप घर पर बनाकर भी रख सकते हो, अगर आप इलेक्ट्रिशियन नहीं हो तो वैसे भी आपके काम आएगा। देखिए काफ़ी सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या किया है, जो 2 तारें थी 4 तारों में से वो तारें हमने यहाँ पर लगा दी, देखिए ये देख लीजिए, ठीक है, ऐसे आपको लगाना है। और इसके बाद में ये जो 2 तारें हैं, ठीक है, इन 2 तारों को क्या करना है आपको, ऐसे ऐसे आपस में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अच्छे तरीके से कर दीजिए आप कनेक्ट, और इसके बाद में आप इसको ऐसे क्या करेंगे, टेप लगा देंगे, ठीक है, यहाँ से इसको टेप लगा देंगे, बस इतना काम करना है आपको, ठीक है। अभी हमारा काम हो गया है, लगभग 50% कंप्लीट हो गया, 2.5 मिनट की वीडियो अभी हुई है, ठीक है। तो मैंने 5 मिनट की आपको कही है, तो 5 मिनट में ही आपको बता दूंगा। अब क्या करें, यहाँ पे इस कनोपी को कर दे बंद, यानी बल्ब होल्डर को हमने ऐसे बंद कर दिया वापस से जैसे हमने खोला था, तो इसको कर देते हैं बंद अभी, ठीक है। अब ऐसे ये तैयार है हमारे पास। अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, अब अगर गलती करते हो तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। अब आपको इसमें से कोई भी 2 वायर लेनी है 2 कलर की, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो हम ले लेते हैं ये वाली 2 तार ले लेते हैं, ठीक है। इन 2 तारों में क्या करना है आपको, ये प्लग लगाना है, कौन सा, ये 3 पिन प्लग लगाना है। तो आपको यहाँ पर ये लगा के दिखा देते हैं कैसे लगाना है, इसमें न्यूट्रल और फेस का कोई इशू नहीं होता दोस्तों। फिर आपको इससे पंखा चेक करके दिखाएंगे हम, क्योंकि अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है तो आपको पंखा चेक करने की ज़रूरत पड़ती होगी। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे कर लिया है, ठीक है। और अब इस वायर को थोड़ा सा कट कर लेते हैं, थोड़ी फालतू है एक्स्ट्रा ये, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे कर लेते हैं, और ये भी थोड़ा सा ज़्यादा छिला हुआ है तो इसको भी कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा यहाँ से कट कर लेंगे, और इसको भी देखिए ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको लगाएंगे इस 3 पिन प्लग के अंदर, बिल्कुल ही सिंपल है। आप याद करोगे मुझे कि हाँ अभी कोई वीडियो देखी थी आपने और उसका फ़ायदा आपको मिला है, ठीक है। तो अभी हम इसमें ये लगाएंगे बिल्कुल आसानी से, दोनों तारें जो देखिए दोनों न्यूट्रल और लाइन के टर्मिनल होते हैं 3 पिन प्लग के, वहाँ पर आपको लगाना है। और यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके लगाएंगे ताकि ये वायर निकले नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इसको ऐसे, टाइट करेंगे अच्छे से, ठीक है। और अब इसको भी कर देंगे हम बंद ऐसे, और दिखने में भी दोस्तों काफ़ी सुंदर हो जाएगा ये, और काम भी बड़ा सुंदर ही करेगा ये, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर दिया हमने, ये स्क्रू लगा देंगे वापस, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारा सीरीज बोर्ड अभी तक तैयार हो गया, देखिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब ये दोनों वायर आप बराबर भी कर सकते हो या इतनी रख सकते हो, थोड़ी दूर है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सिंपल एक बल्ब लगा लेना है, कौन सा, 100 वाट का, ठीक है। और अब आपको ये जो आपका प्लग है इसको आपको किसी भी बिजली के सॉकेट में लगा देना है, ठीक है। आपको दिखा देते हैं हम लगा के, ये देखिए ये सॉकेट है हमारे पास, इसमें हम इसको लगा देते हैं, पावर सप्लाई इसमें चालू है, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों तारें हैं, कौन सी, ये वाली, ठीक है, तो इसको आपको ऐसे टच करना है, देखिए, ठीक है। तो हमारा जो सीरीज लैंप है वो बनकर तैयार हो चुका है, केवल 5 मिनट में दोस्तों, 5 मिनट की कही थी हमने आपसे। अब ये मतलब सीरीज लैंप जो है वो 5 मिनट में तैयार हो गया, और कैसा बना देखिए, बिल्कुल सुंदर है, देखिए दिखने में काफ़ी सुंदर है, आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो। अब आपको इससे एक सीलिंग फैन चेक करके दिखाता हूं मैं, तो ये देखिए ये सीलिंग फैन ले आए हम यहां पर, ठीक है, और इसको आपको चेक करके दिखाते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए ये बल्ब है, और थोड़ा सा कैमरा ऊंचा कर लेते हैं,
तो देखिए अभी आपको इस पंखे को चेक करके दिखाते हैं। देखिए ठीक है, ऐसे हम आपस में टच करते हैं तो सीरीज का लैंप हमारा ग्लो कर रहा है। अब आपको देखिए ये जो दो लाल तारे हैं इसके हम टच करते हैं तो देखते हैं हमारा पंखा सही है खराब, वो इससे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो दोनों तारे हैं ये इस लाल तार के टच करते हैं तो हमारा जो बल्ब है, देखिए दोस्तों ये वाला बल्ब सीरीज वाला लैंप, ये देखिए इसको थोड़ा क्या कर देते हैं, देखिए हमारा मीडियम ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये पंखा हमारा सही है। ठीक है, और अब इसको करते हैं तो देखिए हमारा जो लैंप है ये देखिए, ये जो लैंप है ये ऐसे ग्लो कर रहा है, इसका मतलब काली तार में भी ये लैंप ग्लो कर गया मीडियम और लाल तार में भी ग्लो कर गया ये बल्ब मीडियम, इसका मतलब ये पंखा जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये लैंप बना लिया और इससे आपको पंखा भी चेक करके दिखा दिया है। ठीक है, ये देखिए ऐसे अगर पंखे को पूरे को शॉर्ट करके देखते हैं तो बल्ब हमारा फुल ग्लो कर रहा है देखिए। ठीक है, इसका मतलब ये बॉडी भी इसकी एकदम सही है और यहाँ पर देखिए ये भी ऐसे ग्लो कर रहा है। तो आपका ये पंखा चेक हो गया हमारा और हमारा जो सीरीज का लैंप है ये भी चेक हो गया और बिल्कुल आसानी से हमने आपको सिखा दिया कि कैसे आप 5 मिनट के अंदर ये लैंप बना सकते हो। इससे आप कोई भी सामान चेक कर सकते हो, जैसे हमें अब ये कैपेसिटर चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर चेक करना भी आना चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला कैपेसिटर है एक, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे टच करेंगे और यहाँ पर देखिए इन कैपेसिटर की दोनों तारों को ऐसे टच करते हैं तो देखिए बल्ब हमारा मीडियम, बिल्कुल मीडियम ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कैपेसिटर भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ऐसे फुल ग्लो करेगा, ऐसे हमारा ये कैपेसिटर से जो है वो हमारा बल्ब सीरीज का बल्ब मीडियम ग्लो करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये काम कर सकते हो, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे चार्ज हो जाएगा, ये चार्ज होने के बाद ऐसे आवाज करेगा। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आपको इसमें लगाना होता है ऐसे। अगर आपको इसको बजा कर देखना है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए आप इसमें लगा कर रख सकते हो। ठीक है, ऐसे लगाया हमने, दोबारा से ऐसे टच करते हैं तो हमारा जो आवाज़ है ये कैपेसिटर करता है। तो इस प्रकार से आप ये लैंप बना सकते हो, टेस्टिंग लैंप, काफ़ी अच्छा है, यूज़फुल है आपके लिए। आप बनाकर अपने घर पर, दुकान पर, अगर आप एक नए इलेक्ट्रिशियन हो तो आपके लिए यह एक वरदान साबित होने वाला है दोस्तों। आप इसको ज़रूर बना लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। देखिए इस प्रकार से हमने एक प्लग लगा दिया, एक बल्ब होल्डर है, एक बल्ब है और दो रंग की तारें लिए, कनेक्शन मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कनेक्शन समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपको उसका जवाब दे देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।